Hello, everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So, let's start our important topic about chemistry that is, the chemical bonding and molecular structure. केमिस्ट्री uh, के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम अभी बात करेंगे दैट इज़ uh, मैं कुछ कुछ शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बताऊंगी फटाफट से जो रिमेंबर करना चाहिए आपको केमिस्ट्री के लिए केमिकल बॉन्डिंग और बॉन्ड डिसोसिएशन पावर लोन पेयर और दैट इज वो सारे क्वेश्चन आए तो फटाफट से कर सकते हो ये कंपल्सरी वन टू टू मार्क्स का क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम्स में आता है एंड वो ए बी सी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो लेट स्टार्ट पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देती हूँ आपको सो वॉट इज केमिकल बॉन्डिंग दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज द एट्रैक्टिव फोर्स विथ इ होल्ड द वेरियस कैमिकल कंस्टुएंट विथ वेरियस केमिकल कंस्टुएंट और हुई होल्ड द वेरियस केमिकल कंस्ट्यूएंस सपोज दो एटम्स हैं सपोज थिंग दैट यहाँ पे दो एटम्स हैं एटम वन एंड एटम टू ओके ये दोनों को अगर होल्ड करना है जो बॉन्ड चाहिए दैट इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड या फिर दो आयन्स को अगर जोड़ के रखना है दैट मीन्स दो एटम्स के जो आयनर आयन आएं वाले पार्ट हैं सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसको होल्ड करना है तो जो बॉन्ड चाहिए दैट इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड सो आपको uh, लुइस एंड लुइस सिंबल्स एंड लुइस के ऊपर पता होगा तो लुइस कंसेप्ट एक है तो लुइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो uh, कोई भी आइटम्स होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स ऐसे नहीं मेंशन करेंगे डॉट वाइज मेंशन करेंगे तो डॉट पॉइंट से हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल्स में सो so जैसे कि uh, आपका क्या है फ्लोरीन है या न्योन है या कार्बन है तो कार्बन का बॉन्ड बॉन्ड uh, कितने लगते हैं दैट इज यहाँ पे हम बॉन्ड नहीं यहां dot देंगे यहाँ पे डॉट देंगे डॉट रहेगा ऐसे सो so, ये हो गया आपका लुइस सिंबल तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने मेंशन किया था दैट इज द कोसल लुइस किसने मेंशन किया दैट इज

एलिमेंट तो एंड ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हम इन गैसेज वही प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या मैंशन कर सकते हैं कि इनट गैसेस के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि ऑक्टेट रूल ये फॉलो कर रहे कोई एलिमेंट ये फॉलो नहीं कर रहे ठीक तो है अभी लुइस सिंबल्स हो गए तो नेक्स्ट चलते हैं वो कहते हैं ऑक्टेट रूल का कंसेप्ट था सो so, यहाँ पे एक्सेप्शन में नाम थोड़ी याद रख लो दैट इज इनकॉम्प्लीट ऑक्टेट रूल कौन सो करता है इनकॉम्प्लीट ऑक्टेड रूल दैट इज लिथियम क्लोराइड वेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड वेडिलियम हाइड्रोक्साइड हो गया या वेडिलियम नॉर्मली बेडिलियम जहां पर भी लगता तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाता एंड बी सी एल थ्री दैट इज अ बोरन क्लोराइड सो यहाँ पे ये यह सारा मैंशन जहाँ पे रहे वो नहीं कर सकता जैसे कि देख लो यहाँ पे लिथियम एंड क्लोराइड के अंदर क्लोराइड में कितने है लास्ट में टू एट सेवन है एंड लिथियम इज टू तो ये फुलफिल नहीं कर सका वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है बेरिलियम इज फोर <coughs> तो यहाँ पे हाइड्रोजन बट एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब उसका कंफिग्रेशन के अकॉर्डिंग अगर चेक करेंगे तो हाइड्रोजन तो ऑनली कितना कैरी करता है हाइड्रोजन एस टू ओ भी अगर मेंशन होता है तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे मेंशन है ऐसे मेंशन हो जाते हैं राइट तो उस अकॉर्डिंग आप थिंक कर सकते हो कि ये भी कैसे इनकम्प्लीट हो गया दो दो है जितना है उतना शेयर कर रहा है तो उतना हम अगर शेयर हो जाता है तो ऑक्टर रूल फॉलो नहीं कर सकते सेम आपका जो बी सी एल थ्री है वो भी वैसे किया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है जस्ट लाइक आपका um,

So, नेक्स्ट में देखिए आयनिक बॉन्ड बॉन्ड में जो मैंने यहाँ पे, एट वन बोला था, तो वन ही यहाँ पे सो ये डोनेट हो सकता है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया दैट इज एन ए प्लस ई माइनस सो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है वन इलेक्ट्रॉन वैसे ये रिसीव कर सकता है तो ये क्या हो जाएगा एन ए इलेक्ट्रॉन को दे के ये प्लस हो जाता है क्लोरीन रिसीव करके माइनस हो जाता है तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव एंड डोनेशन अगर चले एंड उसके लिए बॉन्ड अगर फॉर्मेशन uh, हो जाए तो दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड आपका जो यहाँ पे सोडियम रहता है वो है, क्लोरीन है मेटल है एंड क्लोरिन जो है नॉन मेटल है याद रहा सो so, नेक्स्ट चलते हैं क्लियर करते हैं <coughs> एंड ये फार्मूला थोड़ा सा रिमेंबर कर लो मैं शॉर्टकट पूरा बता रही हूँ ये है आपका फार्मूला सपोज ए एक एलिमेंट है बी एक एलिमेंट है तो उसके अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक uh, कंजेशन नहीं जाना है बट आपको आयनिक फॉर्म है कि एंड एनायन कितना है तो ये याद रखिएगा ये क्रॉस्ट होता है जस्ट लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंशन है एक फार्मूला uh, जैसा है कि ए एल टू एसओ फोर और ब्रैकेटेड थ्री तो ए AL एल का एलुमिनियम का कितना रह गया थ्री दैट इज अ थ्री प्लस एंड एसओ फोर का कितना हो गया टू माइनस तो ऐसे क्रॉस्ड हो जाता है इतना याद रखना उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड में याद रखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड अगेन क्या कहता है म्यूचुअल शेयरिंग कहता है जो वर्ड्स पे मैंने डार्क

And dog. So, पे double bond mention हो जाएगा ऐसे करके, तो हम double bond mention नहीं करेंगे, हमारा हो जाएगा concept, electron के according आप थिंक कर लीजिए, पे one है, पे है, है, तो दोनों अगर कर दिए देन वन हो जाएगा बस इतना ही मैं ये ऑक्सीजन होता है तो डबल हम करते हैं ओके सो नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू द कोवेलेंट बॉन्ड अगेन टू टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं एक हो गया पोलर एक हो गया नॉन पोलर पोलर एंड नॉन पोलर में डिफरेंस क्या है पोलर में ये है सपोज uh, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन कर सकते हैं उसके विद इन अगर डिफरेंट एटम्स के विद इन क्या हो सकता है बॉन्ड प्रिपरेशन हो सकता है तो ये देखो जैसे एग्जांपल डिफरेंट है अगर नॉन पोलर हो गया तो होमोन्यूक्लियर होगा जस्ट लाइक एच टू सी एल टू ऑक्सीजन ओ टू एंड टू ये सारे हो गए नॉन पोलर इतना रिमेंबर करो फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो बॉन्ड ऑर्डर अगर कभी आपको निकालना हो तो याद रखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज ये किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है दैट इज द बॉन्ड लेंथ और आप बोल सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सो इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना हो तो दैट इज कॉल्ड हाफ होल ब्रैकेटेड एंड बी दैट इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग नॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उससे अगर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जितने भी है उसको आप और दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल से माइनस कर दो तो हो जाएगा तो एनबी इज कॉल्ड आप बोल सकते हो क्या नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल एन ए क्या है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो डिडक्ट कर दीजिए माइनस कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय टू तो सॉल्व so, uh, तो हो जाएगा सो रूल आता एंड आपका एक लाइन याद रखो पार्शियल कोवेलन कैरेक्टर्स ऑफ जितना डिड साइज होगा कैटन का लार्जर द साइज ऑफ एन उतना ही बड़ा साइज होता है आय का मतलब एनायंस का तभी जाके वो क्या करता है ग्रेटर क्रोवलेंट कैरेक्टर वो शो करेगा ठीक है अगर यहाँ पे ग्रेटर कोवलन कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड शो करना है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कैटाइन का, का साइज छोटा कर दो एंड एन का साइज बड़ा कर दो याद रहेगा एंड ये पार्शियल कोवेलन कैरेक्टर्स ऑफ द आयनिक बॉन्ड है पार्शियल कोवलन कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड ये फैजन रूल है डाइपोल मोमेंट का एक फार्मूला याद रख लीजिए फॉर्मुला के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये ना चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का चार्ज कितना है ज एन आयन और कैटाइन एंड उसका डिस्टेंस कितना है बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सपोज यहाँ पे एन ए है यहाँ पे आपका सी है तो ये पॉजिटिव है माइनस सो नेगेटिव तो जिसके चार्जेस हैं तो वो चार्जेस को हम काउंट करेंगे क्यू में प्लस यहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना है तो उसके साथ आप क्या एडिशन में देखोगे दैट इज इसके अंदर डिस्टेंस कितने हैं हैं ये चार्जेस के अंदर डिस्टेंस कितने है? तो डिस्टेंस को आप मेंशन करेंगे तो इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो म्यू इक्वल्स टू चार्ज क्यू इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दैट इज इतना याद रखिए ठीक है अभी इसको देख लो फटाफट से दैट इज आपको याद रखना है कि बी एस पी आर दैट इज हम लोग बोलते हैं आपका ये आपका जो थ्योरी है पूरा दैट इज अभी एस ई पी आर थ्योरी ठीक है भी एस पी आर थ्योरी भैलेन्स जो सेल का आपका थ्योरी है वैलेंस सेल का थ्योरीज को आप यहाँ पे मैंशन करोगे बट थोरीज को नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत डिटेल्ड हो जाएगा उतना नहीं जाना है कुछ शॉर्टली याद रखना है लोन पेयर लोन पेयर जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन लोन पेयर बेस्ट लोन पेयर एंड आपका जो बॉन्ड बॉन्ड बॉन्डपेयर मतलब बॉन्ड एनर्जीज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो रहते हैं बीपी दैट इज अ लोन पेयर एंड बीपी के अंदर जो रिलेशन है उसके अंदर देखेंगे दैट इज कॉल्ड पेयर बोन सॉरी बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बाद वो बड़ा होता है किससे बॉन्ड पेयर से दैट मीन्स लोन पेयर एंड लोन पेयर ये रिलेशनशिप ग्रेटर होता है लोन पेयर एंड बॉन्डपेयर से ठीक है एंड वो गेटर होता है डायरेक्टली बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इतना याद रखना है रिमेम्बर करना है एंड ये सारा देख लो थोड़ा थोड़ा रिमेंबर कर लो लीनियर फॉर्म में कौन कौन है आपके जो ज्योमेट्रिकल सेप ऑफ द मॉलिक्यूल मॉलिकुल क्वेश्चन आते हैं ये लीनियर है तो कैसा रहेगा जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पे नंबर कितना है टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं टू तो उसके अकॉर्डिंग ये लीनियर आया यहाँ पे देखो ये थ्री है यहाँ पे थ्री है नंबर ऑफ लोन पेयर्स को हमने यहाँ पे जीरो रखा है तो थ्री थ्री होने से ट्राई एंगुलर प्लानर हो जाएगा दैट इज अ थ्री सी एल थ्री एसओ थ्री वैसे ही आपको नेक्स्ट चेन है

एंड ट्राइगोनल पेरामिडल में क्या होगा एनएस थ्री पीसीएल थ्री एन एस एन सी एल थ्री पी एस थ्री ये सब के लिए लोन पेयर वन है ट्राइगोनल पेरामिडल हो जाएगा बेंड सेट फिर से आ गया एस टू ओ एस टू एस के लिए बट लोन पेयर टू है यहाँ पे मेन्शन करना है तो उसके बाद आप डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे बिकॉज ऐसे बहुत सारे हैं तो आपको थोड़ा बहुत थो आइडिया हुआ होगा अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या है फर्स्ट so क्वेश्चन पे आते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दी सी एस थ्री प्लस एंड सी एस थ्री आर डैश तो आपको ये हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा नंबर ऑफ एटम्स इसके लिए आप चेक करो पहले नंबर ऑफ एटम्स कितना अटैच है यहाँ पे थ्री तो आपको काउंट करने के लिए यहाँ पे पहले थ्री लिख लीजिए अभी कार्बन कितने ग्रुप में आता है कौन से ग्रुप में आता है दैट इज कॉल्ड ग्रुप फोर्टीन ग्रुप फोर्टीन में आता है कार्बन तो ग्रुप फोर्टीन में जब आता है तो उसका वैलेंसीज होता है फोर उसके वैलेंसीज होते हैं फोर याद रखना है आपको मैं एग्जांपल्स दे दूंगी नेक्स्ट क्लास uh, uh, में सो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है सी एच थ्री मेंशन है तो यहाँ पे कितना अटैच हो गया थ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए वैलेंसीज कितने हो गए फोर तो आप क्या करेंगे जितना अटैच किया गया है तो उससे आप डिवाइड कर दो मतलब तो तो आप चेक कर लो डिडक्ट कर लो कि कितना बच गया तो ये कितना बच गया वन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप एड करोगे बट यहाँ पे और एक चीज है कि नॉर्मल ये है नहीं बिकॉज यहाँ पे सी एस थ्री प्लस है तो प्लस होता है जब क्या बोल सकते यहाँ पे जब प्लस का साइन आता है नॉर्मली प्लस हो या ऐसा कुछ हो तो हम क्या करेंगे बैलेंसेस के साथ अगर प्लस हो तो बैलेंसेस के साथ वो माइनस कर देंगे तो माइनस वन तो माइनस वन हो गया मीन्स ये भी अभी बैलेंसेस कितने हो गए थ्री प्लस है तो माइनस होगा यहाँ पे बैलेंसेस से उतना ही जितना प्लस वहाँ पे मेंशन होगा तो प्लस यहाँ पे वन है तो आप क्या करोगे फोर माइनस वन बैलेंसेस आल्सो थ्री तो यहाँ पे माइनस करने से आपको जीरो मिलेगा तो आपका कितना अटैचमेंट हुआ था कितना एटम्स थ्री एंड यहाँ पे बैलेंसेस कितना बचा जीरो दैट इज कॉल्ड आपका रिजल्ट आया थ्री तो थ्री के अकॉर्डिंग अगर वन टू थ्री में चेक करते हैं तो नंबर टू से एक्चुअली स्टार्ट होता है एस पी नंबर टू अगर आता रिजल्ट तो एस पी होता है थ्री है तो एस पी टू आएगा अगर फोर आएगा एस पी थ्री अगर फाइव आया एस पी थ्री डी अगर फाइव uh, के ऊपर सिक्स आया एस पी थ्री डी टू ऐसा मेंशन किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया एस पी टू एंड अभी एस पी टू दो जगह है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे थ्री माइनस के लिए और सी एस थ्री के लिए सो दैट इज सी एस थ्री ओनली मेंशन है तो सी एस थ्री अगर मेंशन है दैट मीनस ये जो फोर था इससे क्या करेंगे हम थ्री को डिडक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा तो 3 1 जाएगा तो थ्री प्लस अगर ऑफ डी ऑर्बिटल इनवॉल्व इन डी टू एस पी हाइब्रिडाइजेशन उसके लिए याद कर रखना पड़ेगा आपको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे एस पी थ्री है एंड डी टू है तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में ये दो वेराइटीज आते हैं एक वेराइटीज में ऐसा आएगा जहाँ पे ऐसा होता है और एक वेराइटी में ऐसे टाइप का आएगा जहाँ पे ऐसा ऐसा होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर दोनों साइड में आ रहे हैं एंड ये हो गया जेड स्क्वायर जेड एंड जेड जेड स्क्वायर हो गया तो डी जेड स्क्वायर तो आंसर इज एक करेक्ट होगा। आपको आपको अगर जानना है, that means आपको उसके को भी याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत दैट इज जैसे कि कार्बन यहाँ पे कितना है दैट इज सी टू एट सिक्स है तो so, सी का आपको पता है कि दैट इज कार्बन इज ट्वेल्थ सॉरी से टू 1S2, 2S2, 2P6, ऐसे करके आप काउंट करेंगे तो टू पी सिक्स के बाद तो ये एंड हो जाएगा ठीक है वैसे ही अगर आ, यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा एच उतना ही अटैच हो गया तो उसमें क्या हुआ ना जिसका बच गया दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स उसको नीड है तो वैसे चीजों को हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं तो बी टू एच सिक्स है बी टू एच सिक्स मीन्स बोरोन का अगेन देखते हैं तो बोरन इज जस्ट दैट इज

Which of the following is the trigonal planar? Trigonal planar. अभी मैंने आपको की थी थ्री बी BF3. BF3 में ट्राइगोनल called triangular प्लानर also. ये करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट परमानेंट मोमेंट एस एफ फोर का है रिमेम्बर करने वाला चीज है दैट इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट आपको पूछा गया एस फोर एस एफ फोर का है ठीक है बाकी सब थोड़ा सा डिसोसिएशन एनर्जी को दिखाते हैं इसलिए एस एफ फोर का थोड़ा आप डाइपल मोमेंट में रखेंगे अभी uh, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग तो आप याद रखना कि जितना इलेक्ट्रो होता है ना उसके ऊपर ही बेस्ड करता है कोवेलेंट कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज तो जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज उसका कोविलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है इंक्रीजिंग तो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर चेक करते हैं हम लोग ना लिथियम सबसे छोटा है बेरिलियम उससे भी छोटा है दैट इज बेरिलियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट है वो हाई है तो आप आ, क्या करते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट को अगर चेक करना है तो यहाँ पे चेक करने के लिए ऑलवेज याद रखिएगा रिमेंबर करिएगा आपका जो पीरियडिक टेबल है उसमें क्या होता है कि टॉप टू बॉटम मूव करता है टॉप टू बॉटम एंड ये मूव करेगा अगेन लेफ्ट टू राइट ओके okay, uh, ऐसे मूव करता है तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन करेक्ट होंगे बिकॉज ये कोविलन नेगेटिविटीज जो इलेक्ट्रोनिविटी पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड है उसके ऊपर है तो बेरिलियम uh, उसके बाद आता है आपका लिथियम उसके बाद आता है एनएसएल तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है तो इसलिए अगर उल्टा देखते हैं तो बेरिलियम के बाद लिथियम आएगा लिथियम के बाद सोडियम आएगा सोडियम क्लोराइड राइट right. तो नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर इन विच द बॉन्ड ओ ओ बीज सो ऑलवेज याद रखिएगा की बॉन्ड लेंथ के लिए बॉन्ड ऑर्डर भी चाहिए अरेन्जमेंट भी चाहिए अकॉर्डिंग ओ टू देन होगा आपका ओ थ्री देन आएगा एस टू ओ टू दैट मीन्स यहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हो जो बॉन्ड लेंथ देखो ये चीज नोटिस करती हूँ आपको मैंशन करती हूँ की ये ऑप्शन होगा डी दैट इज ओ टू है तो ओ टू मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज यहाँ पे आप डायरेक्ट ये कर सकते हो ओ बिकॉज इसका दो है इसका भी दो इलेक्ट्रॉन है तो ये करेगा ऐसे रहेगा O3 है तो इसका क्या हो गया ये डबल बॉन्ड दिखा रहा है डबल बॉन्ड दिखा रहा है इसमें क्या हो जाएगा ओ थ्री में तीन है ये यह पार्शियल यहाँ पे एक लोन पेयर बच गया ये डबल पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा रहा है एस टू ओ टू में मेंशन करते हैं एच टू ओ टू है तो दैट इज ओ ऐसा मेंशन होगा डबल बॉन्ड आप मेंशन करोगे तो डबल बॉन्ड अगर मेंशन हो जाता है तो गलत हो जाएगा तो आप क्या करेंगे करेक्शन करने के लिए पहले तो आप मेंशन करेंगे ओ एक एच इधर मेंशन मेंशन कर फिर o, then H कर दिए फिर ओ देन एच दिए तो यहाँ पे क्या हो गया ना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही अरेन्ज हो गए तो बॉन्ड लेंथ इसका क्या हो जाएगा ये थोड़ा लीनियर टाइप दिख रहा है तो इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा राइट आंसर डी होगा राइट आंसर सो ये आपका राइट right आंसर है तो पहले एच टू ओ टू देन ओ थ्री ओ टू ऐसे करके अगर मूव करता है, देन नेक्स्ट चलता है। क्वेश्चन नंबर एट पे हुई ऑफ द फॉलोइंग डजेंट एग्जिस्ट कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है अभी हमने पढ़ा था हीलियम आयन भी पढ़ा था दैट इज बोरन भी पढ़ा था नाइट्रोजन भी पढ़ा है बट नियन का हमने टू uh, मतलब आयनिक फॉर्म को नहीं देखा या एनी टू हमने नहीं देखा आयनिक फॉर्म को देखा है बट एनी टू जो आयनिक फॉर्म है उसको नहीं देखा एन ई e के बाद टू ऐसे मेंशन हो उसको नहीं देखा कभी भी तो ऐसा ये नहीं करता बिकॉज इसके जो बॉन्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता उसके बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग अच्छा फिर देखो ये में भी आया था इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ठीक है ये वो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है तो वहाँ पे आप मैंशन कर सकते हैं तो इसको अगर चेक करना हो तो अभी आपने म, क्या पढ़ा था दैट इज द बॉन्ड लेंथ को कैसे अरेंज करना है या फिर आपको अरेंज मैंने दिखाया था टेट्राहेड्रल लिनियर ट्राइंगर प्लानर ये सारा दिखाया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखे हो तो ये सारा जो है बी एफ फोर एक्सी फोर ये सारे पॉइंट्स को आपने अभी देखा ना तो ये सारा पॉइंट्स आपका एक प्लान में रहता है बट आपका जो सी टू एच फोर है ठीक है सी टू एच फोर है वो इक्वल नहीं है कैसे नहीं है वो देखेंगे बी एफ फोर जो है आपका जो बी एफ फोर एक्सई फोर एक्स एफ फोर ये सारा जो मेंशन है ना इसको हम कहाँ पे रखेंगे दैट इज आपका स्क्वायर प्लानर में रखा जाएगा कहाँ पे रखेंगे हम लोग स्क्वायर प्लानर में ये सारे स्क्वायर प्लानर में आएंगे ही फोर जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये टेट्राहेड्रल में आ जाएगा बी ए फोर भी आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आ जाएगा एंड एक्सी फोर आपका स्क्वायर में आ जाएगा मीनस इक्वल लेंथ आएगा वहाँ पे दैट इज जैसे कि एक्सी फोर का अगर हम बनाते हैं तो एक्सी यहाँ पे अगर मैंशन है तो ऐसे 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 तो ये सारे ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया स्क्वायर प्लानर बट ये जो सी टू एच फोर है दैट इज सी यहाँ पे मेंशन हुआ सी यहाँ पे मेंशन हुआ एच फोर मेंशन है ऐसे हो जाएगा एंड इसका लेंथ वाइज अगर देखे तो इक्वल नहीं होगा तो इसलिए सी टू एच फोर इज द करेक्ट आंसर हुआ ऑफ दॉट आइसोस्ट्रक्चरल आइसोस्ट्रक्चर में सेम स्ट्रक्चर तो ये एस सी एल फोर है बिकॉज बाकी सब आयनिक फॉर्म में है, वो क्या करते हैं पीओ फोर है पीओ फोर एन एच फोर एन एच फोर प्लस है, PO4, NH4, NH4 है. तो ये सारा कहाँ पे सो होगा दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल है एंड ये आइसोस्ट्रक्चरल भी है सेम टाइप के हैं बट एस सी एल फोर यहाँ पर नहीं आता तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा ठीक है देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अ लीनियर सिप लीनियर सिप में अगर देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा पता है एक्चुअली ओ का मैंने अभी दिखाया था तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे आया एक लोन पेयर यहाँ पे रह गया लोन पेयर तो एस का भी एक्चुअली वैसे ही आएगा बिकॉज एस में भी लोन पेयर प्रेजेंट है तो एस ऐसे हो गया ओ एंड यहाँ पे लोन पेयर्स रह गए तो वो भी नहीं होगा एन माइनस है तो माइनस है तो ये तो कम हो जाएगा तो डेफिसिट हो जाएगा यहाँ पे तो एन प्लस है तो प्लस होने से क्या हो जाएगा सिंगल लाइन में रहेगा एनो टू अगर अगर एनो टू ओनली होता तो वो भी बेंड सेप्ट का होता जस्ट लाइक एसो टू अगर एनो टू नहीं है एनओ टू प्लस है दैट मीन्स वो लीनियर हो जाएगा बिकॉज वो डोनेट कर रहा है ना तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा तो ये हो गया राइट आंसर ठीक है <coughs> क्वेश्चन uh, नंबर पे चलते इज़ डैश दैट इज अ पेंटागोनल बाइक तो इसको याद रखिए रिमेम्बर रखिए बिकॉज अभी उतना टाइम नहीं है उसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊं दैट इज मैं फिर भी आपको uh, दिखा सकती हूँ सेवन है तो पेंटागोनल पांच रिंग बनेंगे पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनेगा देन उसके बाद सेवन सेवन फ्लोरिन लगेंगे आयोडीन के स्ट्रक्चर के बाद फ्लोरिन भी लगेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाई पिरामिडल पेंटागोनल बाई पिरामिडल ठीक है अभी देखिए नेक्स्ट चलते हैं जो अभी फॉलोइंग्रक्चर स्पीसीज सेम अभी हम करके आए थे है। जो हो सकता कर दिया करने के लिए। तो आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज ये सारे ठीक है नेक्स्ट देखिए द मॉलिक्यूल ऑफ CO2 टू हेज एंगल वन एटी डिग्री यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया सी ऐसे एंगल किया है दैट इज ऑक्सीजन जैसे कि ये

हाइब्रिटेशन uh, अभी एस हाइब्रिडाइजेशन अगर और भी अच्छे से जानना है तो कैसे होगा सी का आपको पता है कि ये ग्रुप फोर्टीन का है तो इसका वैलेंसेज होता है फोर यहाँ पे कितने अटैच हुए हैं टू अटैच हुए हैं फोर वैलेंसीज है एंड uh, ऑक्सीजन uh, जो अटैच हुए हैं सो uh, so उसमें कितने अटैच हुए हैं टू तो ये टू चला गया ठीक है सो so यहाँ पे कितने पेयर बच गए वन पेयर दैट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो उसको आप मैंशन कर दोगे वन दैट इज कॉल्ड थ्री थ्री होने से आपका हो जाएगा आपका एस पी टू बट यहाँ पे पूछा गया कि सीओ टू टू है यहाँ पे तो टू के बेसिस पे हम चेंज करेंगे थोड़ा सा बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड में रहता है डबल बॉन्ड में रहता है राइट right? तो डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे फोर हो जाएंगे एंड यहाँ वन पेयर नहीं बचेगा जीरो बचेगा भी समझ आया तो ये क्या हो जाएगा टू प्लस जीरो आया एस पी यहाँ पे बहुत लोग गलत करके एसपी थ्री करते हैं इसलिए पावर इज मैक्सिमम फॉर ऑफ कौन से आयन के लिए पोल पावर मैक्सिमम होगा दैट इज एलुमिनियम जिसका आयनिक फॉर्म जो आपका थ्री प्लस है जिसका बढ़ते जाएगा थ्री प्लस फोर प्लस तो उसका आ, आपका पोलराइजेशन पावर ज्यादा बढ़ जाता है

सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑफ सेंट्रल सेंट्रल एटम एटम के अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे यहाँ पे ना कुछ uh, है ये तो उसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन पीटी दैट इज एंड प्लेटिनियम तो उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है कि किसका क्या क्या है तो आपको ना कंफ्यूजन नहीं होना है क्या करेंगे आप इसको काउंट कर लेंगे इसको काउंट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा तो दैट इज देख लो एनएस्थ्री तो एन एस्थ्री का क्या होगा दैट इज हम मेंशन कर सकते हैं कि एनएस थ्री में एन क्या है n में कितना रहता है आपका uh, देखो कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है थ्री हाइड्रोजन अटैच्ड है ठीक है अभी है n का जो ग्रुप है दैट इज 15 ग्रुप फिफ्टीन का है वो उसमें वैलेंसेस कितने हैं पांच ठीक है पांच वैलेंसेस से अभी थ्री को आप डिडक्ट कर दो तो आपको मिलेगा टू दैट मींस वन पेयर वन पेयर मिला तो वन ऐड कर लो दैट इज फोर फोर मींस मिलके आपको sp3 हाइब्रिडाइज ठीक है अभी बीसील थ्री का देख लेते हैं अभी बोरन जो है नॉर्मली बोरन जो है आपका मेन्श ओके okay. सो so, यहाँ पे क्या हो गया बोरन का क्या है बोरन आपका ग्रुप थर्टीन में आता है तो ग्रुप थर्टीन होने से इसका बैलेंसेस हो जाएंगे थ्री पहले क्लियर कर लेते थोड़ा uh, इसका हो जाएगा थ्री एंड इसके साथ कितना अटैच्ड है देखिए थ्री एंड थ्री होने से यहाँ पे कितना हो गया डिवाइड कर दो डिवाइड मीन्स डिवाइड में करके आप कैलकुलेट कर दो डिडक्ट कर दो दैट इज जीरो तो प्लस जीरो कर दीजिए यहाँ पे मिला थ्री तो थ्री होने से एस तो ये हो गया आपका राइट right आंसर ठीक है ऑर्डर मिल गया आपको ऐसे लास्ट एंड फर्स्ट को चेक करने से आपको मिल जाएगा पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज डैश पी साइड ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज इन in इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या मैंने मैंशन किया था कि जो भी एटम्स इन्वॉल्व है वो अ बहुत इक्वल अमाउंट का इलेक्ट्रॉन्स मतलब आयनिक आयन्स को डोनेट करेंगे या गेन करेंगे तभी बॉन्ड बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग देखिए पी सी एल फोर ये भी इक्वल अमाउंट क्या ये भी इक्वल अमाउंट करेगा ये भी करेगा तो उसके अकॉर्डिंग एन एस सी एल का आपको पता वन प्लस है टू प्लस है एंड उसके बाद अगर चलते हैं दैट इज़ हम इंक्रीजिंग uh, ऑर्डर में चेक कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे धीरे 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 रिड्यूस नहीं करेंगे हम इंक्रीजिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा सबसे बेटर है बिकॉज़ हम ऑर्डर में में देख रहे हैं कि बड़े से छोटे चलना है तो उसके अकॉर्डिंग ये थ्री प्लस प्लस ऐसे करके आपको काउंट करना है तो ये हो गया आपका राइट right आंसर ठीक है अभी नेक्स्ट देखिए एमओम एल आई सी एल बी सी एल बेडिलियम क्लोराइड लिथियम क्लोराइड एंड बोरन क्लोराइड एंड आपका कपर रेक्टर सो ऑलवेज आपको पहले ना आपको पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग मैंने ये भी मैं कोवेलैंड बॉन्ड कैरेक्टर अगर चेक करना है तो कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट के ऊपर मिल जाएगा तो लिथियम बेलियम बोरोन एंड आपका जो सी यू है दैट इज़ अ अब फॉर्म है तो इसको आप चेक कर लोगे किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के अकॉर्डिंग तो ये आपको राइट आंसर मिल जाएगा ओके okay? उसके अकॉर्डिंग है सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा लगाओ इन्फॉर्मेटिव हो सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो न्यू व्यूवर्स है प्लीज uh, आप लोग सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू